देखो अभी हम दोनों को लेना है, कम अच्छे भाव में बताओ तभी लेंगे हम। हमको इसमें एक एक किलो दे दीजिए और हमें 20 रुपये कम दो एक्स्ट्रा। नहीं नहीं बस भाई फटाफट भैया, उससे पहले वो पुलिस वाले अंकल आ जाए, फटाफट करना है, आप दे दो। नहीं 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 ये ठीक है, ये लीजिए ठीक है, चले केयरफुल केयरफुल। कम पास, चलो 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 फटाफट आगे बैठो। कौन है तुम लोग? अरे गाड़ी में कैसे बैठ? अरे निकलो गाड़ी से। अरे और अफसर से निकाल ले। अरे बोलो जब बैठो। अरे बैठ के बैग में डाल, मैं जब बोलेगा तब उतरने का, ठीक है? स्लो कर, स्लो कर। अरे इधर से नहीं, इधर से मैं बोलेगा जब, ठीक है? उतर जब। कुछ नहीं कहा साहब, मैं ड्राइवर है। वो क्या, वो भाग गया। देखो उसको, चल ला दो उसको अंदर। एम्बुलेंस बुला। ओके नाउ आउट ऑफ द टूर, कैसा लगा? कैसा लगा? आई थिंक इट्स अ फैबुलस आईडिया। सो बॉस को भी फैबुलस लगे, बिकॉज़ यू नो ही इज ऑन अगेन। आई डोंट नो, आई वांट मोर शिशनी, सम मोर शिशनी। कहां से मारा भाई? ए ओरिजिनल आईडिया है, दीदी का आईडिया है, वो भी ना 100 साल जीने वाली है। हां बेबी, दीदी देखिए। अच्छा मैं
इमर्जेंसी मोड बेटा मैं सर मिस्टर रघु तुमची मिसेस पाचवा मजल्यावर इन दिस सर मुझे फोन आया था मेरी वाइफ मिशा सेन का एक्सीडेंट उनका एक्सीडेंट नहीं इट्स अ रॉबरी केस उनको गोली लगी है द पेशेंट इज क्रिटिकल यू नीड टू कम दिस वे मिशा मिशा Misha? Can you call a doctor? Can you call a doctor? Paul's absent. मेरा बेटा रॉबिन का है मटर केस हो गया मैं बोला उसको कनकाई को रखता है कनकाई को रखता है वो खाली है ड्राइव कर तो अपना काम किस किस को किसको बोला जयू नाम है उसका जयंत हाँ जयू बोलते हैं उसको कहाँ रहता है ये यारवाड़ा में रहता है सर कुंजन टाकेज है ना तो क्या कर रहा है जीरोक्स के पास रहता है जीरोक्स का दुकान है उसके पास रहता है अच्छा कब से जानता है उसको मैं 3 हफ्ते से जानता है सर उसको बस मैं एक जॉब चाहता था उससे उसने बोला मैं गल्फ में दिलवा सकता तेरे को जॉब ठीक है लेकिन उससे पहले हाथ मारने का है मेरे को नहीं पता था गन में गोली है गोली किसने चलाई मैं तो ड्राइव कर रहा था साहब तो ड्राइव कर रहा था गोली किसने चलाई तो गोली वही चलाएगा अच्छा हाँ मैं तो ड्राइव कर रहा था मैं ड्राइवर है अच्छा हाँ वो मेरे को काम दिलवाने वाला था गल्फ में मेरे को नहीं पता था सब गोली है मेरे को नहीं पता था साहब टीवी दिखा रहे कब तक पकड़ा जाएगा पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है ना पुलिस का काम क्या है मुजरिम को पकड़ना तो हम पकड़ लेंगे जैसे खबर मिलेगी आपको बता देंगे ओके बस कल शाम 4 बजे क्रिमेशन
ओए, कितना राजमा बना है? पूरे हफ्ते एक खिलाओगी क्या? इस चिली कॉर्न कार मैक्सिकन। रॉबी, चलो फटाफट आके खाना फिनिश करो, होमवर्क करना है ना, फास्ट कम। या तो मैं होमवर्क करूंगा या तो मैं खाऊंगा। गेट आउट द कैशियर राइट अवे मां, कम। ओए, अगर तूने खाया ना तो सैटरडे तेरे को डेंटिस्ट के पास लेके जाऊंगा, और अगर तूने नहीं खाया ना तो पिक्चर दिखाऊंगा, समझा? नहीं समझा। मम्मा पापा क्या बोल रहे हैं? मुझे भी नहीं पता बेटा। हाउ इज इट? ये पड़ी रोम्ब नल्ले इक्की रूम। यो इरक, थोड़ा ज्यादा बन गया, पूरा हफ्ता तो खा लोगे ना? सबको मिला बटर उसने क्या पैसा वो लेके भागा, मेरे को काय को मारते हो साहब? मेरे को 2 दिन का टाइम दो, मैं आपके सामने लाके खड़ा करेगा उसको। किसने किसको फोन किया था? कल्पना, कल्पना को फोन किया उसने, वो लंबी सी लड़की थी, क्या थी? टाइपिस्ट टाइप। मेरे को चरस मिलेगा, चरस, उससे मैं और भी अच्छा सोच सकता है। मिलेगा चरस चाहिए? எவ்வளவு தடவை இந்த ஆல்பத்தியே திரும்ப திரும்ப பார்த்துட்டு இருப்பேன், ஒவ்வொரு தடவை பார்க்கும்போது அழற बेटा। तुम हमारे साथ दिल्ली क्यों नहीं आ जाते? कम स्टे विद अस, दिल्ली की ऑफिस वाली जगह है, और ये वाली जो जगह है वो मतलब देयर इज नो रश, यू नो, यू कैन टेक योर टाइम। या हाँ बेटा, पापा ठीक ही तो कह रहे हैं, चलना हमारे साथ दिल्ली। अच्छा जूस ले। देख रघु, तेरे इन लॉज भी कुछ खा नहीं रहे हैं। सुनिए, आप जरा सुपर मार्केट जाइए और वो इडली डोसा सांबर मिक्स ले आइए, मैं जरा उनके लिए कुछ बना। खराब हो गया क्या? इस वक्त खाने की सूझ रही है आपको? They are not eating anything. यार, but I am not like you कि न्यूज़पेपर के पीछे छुप जाऊँ। कौन पेपर के पीछे छुप रहा है? चुप रह, बेटा जूस तो ले ले। रघु, कल रात अपने आर्टिस्ट को भी बुलाया था इसके पार्टनर का स्केच बनाने के लिए, नतीजा ये निकला। जानता कौन है? रंजीत, एक्टर। घुमा रहा है साला, बना रहा है। सर, मैं उससे मिल सकता हूँ? मैं फील कर सकता आपका पेन, मैं फील कर सकता आपका पेन, जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। जे उन्हें गोली मारी, मैंने बोला इंस्पेक्टर साहब को, जे एक मिनट ले सकता क्या? एक मिनट? मेरे को लगता है जयंत को इन्होंने कमती कर दिया, पूरा पैसा खोपचे में ले लिया है। मेरे को डाउट है इन लोगों को, ऐसा हो सकता है कि 50-50 कर लिया सेटिंग करके। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने गोली नहीं मारी।
वो कह रहे काम मिस्टर जोशी है या ना? बस है। आर जोशी प्राइवेट डिटेक्टिव मैं ही हूँ। सॉरी योगा क्लासेस नहीं गई थी, ये सबसे अच्छा एक्सरसाइज है हेल्थ के लिए। आइए ना। आपकी फैमिली का सुन के वाकई बहुत बुरा लगा, लेकिन जो काम पुलिस नहीं कर सकती आपको लगता है वो काम मैं कर सकती हूँ? दारू पिएगा? मिलेगा यहाँ सब कुछ मिलता है, चलेगा? चल। माइकल भैया सलाम करो। चीयर्स। चीयर्स। इधर। लूट का माल किधर? किसके पास? बताएगा या इधर का द्रौपदी बनेगा? नहीं समझा? समझाओ समझाओ। इसको आय शापा। ओहो कयामत आजा। चम्मच छल्लो। वेयर इज द माल? बैग मिलेगा? शराब पिएगी? यहाँ पर भी लफड़ा किया ना तू? ये चोट ये कैसे लगी तेरे को? है बोल। हो गया तेरा? अब भाषा नहीं लाए? कपड़े वपड़े लाई है? लाई ना, बाहर रखे। अब कब तक रखेंगे तेरे को यहाँ पे? मेरे को क्या मालूम कब तक रखेंगे। आएगा मैं बाहर, मैं कुछ कह नहीं तो।
उस औरत और बच्चे की मौत तेरे सर पर तो नहीं ना रही? मैं कितनी बार बोलेगा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने नहीं मारा उनको। तो फिर कसम खा मेरी। तेरी कसम खाने से मुझे छोड़ देंगे क्या? ये कसम खा, कसम खा। जट अपने संभाल। सुनिए, अस्सलाम वालेकुम। जी आप स्टेशन की तरफ जा रही है क्या? साथ में चलें, भाड़ा आधा आधा बांट लेंगे। चलेगा। लीजिए ना। नहीं, मेरी खुद की टपरी है ना। यहाँ कैसे? भाभी जान के घर वाला ने बसा दिया मेरे भाई को। खुदा कसम मेरा भाई नेक इंसान है, 5 साल की लगवा दी। मैं सच्ची कह रही हूँ, कुछ नहीं किया उसने। देखिए हमारे आप यहाँ कैसे? बेटा मेरा शादी करना चाहती हूँ उसकी, बोलता है धंधे वाली से शादी करेगा। धंधे वाली से शादी? क्या धंधा करती है आपकी बहू? अरे औरत है, समझ जाना खुद क्या धंधा करती है। मिली कहाँ टूडर? असली नाम झिमली, प्रोफेशनल नाम शबनम। 2 घंटे का 5,000 चार्ज करती है, मैं 24 घंटे का 2,000। बोलो लायक। और ये एक ही गांव में पैदा हुए थे, इन्हें बाजू वाले मोहल्ले में पले बड़े। चाइल्डहुड फ्रेंड्स, लायक अभी भी लड्डू है उस पर। मुंबई से ऑपरेट करती है, रीगल सिनेमा के पास शगुन ब्यूटी पार्लर है, वहाँ जाइए। मुकेश उर्फ मामू के लिए पूछना, उसका दलाल है। शबनम से मिलना है। 2 घंटे का 10,000। दिए पते पे 8 बजे पहुँच जाना। एक कस्टमर भेजा है, डबल बोला है, लूट ले। से मेरे बदन की पिया सारी दुनिया दीवानी। ओ मेरी खता क्या है पता पिया, मेरी खता क्या है पता पिया, वाली उम्र में जो हो गई सियानी। मुझको रिझाने किए लाखों बहाने, हुस्न ये मोतियों में तोला जहाने, मुझको रिझाने किए लाखों बहाने। मैं तुम्हें बांध सकता हूँ। इंग्लिश मीडियम 2,000 एक्स्ट्रा लगेंगे। ए ड्रेस फाड़ने का एक्स्ट्रा, ठीक है। फैशन स्ट्रीट का नहीं, वार्डन रोड का है। 4,000 का है मेरा टॉप। दिन में कितना कमा लेती हो चिमली? कौन हो तुम, ये नाम कैसे जानते हो? लायक के पार्टनर का नाम क्या है? कौन लायक? तेरा बॉयफ्रेंड। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है यहाँ पे, सब मेरे बॉयफ्रेंड है। मेरा हाथ खोलो वरना मैं चिल्लाऊंगी। चिल्ला, बुला पुलिस को। कौन तुम? कौन? मैं वो हूँ जिसकी बीवी और बच्चा उस दिन बैंक में मारे गए। साहब, साहब मुझे माफ कर दो साहब, मैं आपको बताती हूँ साहब, सब बताती हूँ। लायक को जानती हूँ मैं, फ्रेंड है मेरा बहुत साल से, लव भी करता है मेरे को। उसको नहीं पसंद था मैं इधर काम करूँ, कोई अपनी मर्जी से धंधा थोड़ी करता है, करना पड़ता है। 2 महीने पहले लायक आया था, बोला थी को यहाँ से लेके जाऊँगा। साहब 2 दिन बाद मैंने टीवी पे देखा,
सब वो फ्रॉड है, वो चोरी चकारी करते बस सब मर्डर नहीं कर सकता था सब। मेरे बेटे के लाइफ इंश्योरेंस के 35 लाख मिले मुझे, वो तेरे लायक के पार्टनर का नाम निकाल। मुर्शिद अख्तर, नायक मोहम्मद सुपेकर, आनंद कामले। तू क्या कर दिया तूने? मैंने नहीं मारा उनको, मैंने मारा ही नहीं उनको, तो लोगों को बोल बोल के थक गया, सुनने के लिए तैयार ही नहीं। अरे मगर नहीं मारा तो उसे बचा क्यों रहा है? तू अप्रूवर बन जा, अबे तेरी सजा कम हो जाएगी। मैं तो तैयार हूँ लेकिन वो मिलेगा नहीं ना, और पुलिस ने उसको एनकाउंटर करके ना उसका माल लड़प लिया। ऐसे ना गंदी बात करना कोई छोड़ ना। क्या पता है आजकल ना मैं रात में तेरे से बहुत बात करता हूँ, तेरे डायलॉग बोलता हूँ। कौन से डायलॉग बोलता हूँ? वही वाला, प्लीज नहीं, प्लीज नहीं। पागल हो गया क्या? अभी जेल में है तू, बोल करना एक बार, बोलना अभी नहीं। कल राघव आया था, उसे मेरा नाम पता है। तेरे को कैसे ढूंढ लिया उसने? तेरे पार्टनर का नाम पूछ रहा था, बोला था पैसे दूंगा, वरना पुलिस की धमकी दे रहा था। तो क्या करेगी अभी? अरे उसने वही बताया जो पुलिस को बताया, जो न्यूज़पेपर में छपा है, और कुछ भी नहीं बोला। सॉरी। तुमने उसे मेरे बारे में बताया? तुम्हारे बारे में क्यों बताऊंगी, मैंने तो बस ऐसे ही पूछा कि क्या हुआ कैसे हुआ। और कुछ बोला? बहुत देर तक बस मुझे ऐसे देखता रहा, खुश था मुझे देख के। तुम भी खुश हुई? खुश हुई तुम? देखो मैं तुम्हारे कहने पे मान गई थी, और मुझे लगता है उसने कुछ किया है, बेचारा फंस गया फालतू में, और वो ना मुझसे झूठ नहीं बोलेगा। अपना टाइम और पैसा दोनों वेस्ट मत करो, और मेरा पैसा भी दो, मुझे मुकेश का कमीशन भी देना होता है, 100 खर्चे हैं। थैंक यू। थैंक यू। को खुश करती है ना तू, आज मुझे खुश कर। सोच क्या रही है, नाच। तू लायक के लिए ऐसे नाचती है? मिलोगी ना तो बताना मेरे बारे में। अदालत लायक मोहम्मद तुंगेकर को लूट व हत्या के जुर्म में 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाती है। मैं करती कुछ मैं करती मैं आती मिलने तेरे से। लायक लायक
शिमली से कुछ कहना है? चुप। धनलक्ष्मी सहकारी बैंक रॉबरी में आपके बीवी और बच्चे मारे गए। अदालत ने नायक को 20 साल की सजा सुनाई है। आपको कैसा लगा? 20 साल की सजा दी गई है, फांसी नहीं दी गई। 20 साल की सजा लगे आपको? कितने पेजेस बाकी है? 40। जब तुम बाथरूम गई थी मैंने किलर का नाम पढ़ लिया था। वो जो कबर्ड के पीछे छुपा है वो आदमी। डोंट डू दैट। बाहर उधर से निकल। आई एम टेलिंग यू डोंट डू दैट। यू तुम पने में जाओ। आई डोंट नो व्हाट यू से। आई डोंट नो व्हाट यू से। स्टार्ट प्लीज गेम अप वन इन द मैं द क्लाइमैक्स प्लीज डोंट डिस्टर्ब पुट अप। इससे बेटर क्लाइमैक्स तो मैं दे सकता हूं। Oh, really? So? Better climax? Yeah. Yeah. I'm waiting. Uncle! मैंने आपको कहीं टीवी पर देखा है। Uncle! I think. ये वो टीवी सीरियल वाला है। टीवी सीरियल वाला ट्रेन में क्या करेगा? हम ट्रेन में तो ये क्यों नहीं हो सकता? नहीं हो सकता भाई साहब। आपका एक कुसुम के हस्बैंड है ना टीवी सीरियल वाले। कौन बनेगा करोड़पति में पार्ट लिया था। हाँ तेरी तो देखा मुझे लगता है करोड़पति में इन्होंने पार्ट लिया था। आप वही ना जिसके वाइफ और बच्चे को बैंक रॉबरी में मार दिया। अरे भाई तुम्हें तमीज नहीं है कुछ भी बोल देते हो। से चुराया था जो अपना बनाया था वो तेरा वो मेरा वक्त से चुराया था जो सपना सजाया था जदरिया जीनी रे जीनी जदरिया जीनी रे जीनी आंखें भीनी ये भीनी ये भीनी याद है जीनी रे जीनी रे जीनी।
होगा। नाम बोलो। रघु। कहाँ से आए हो? पुणे। कितना दिन रहना है? 20 साल। 20 बरस जेल में रहने के बाद सब भूल जाओगे गब्बर। दुनिया के किसी जेल की दीवार इतनी पक्की नहीं कि गब्बर को 20 साल रोक सके। और जिस दिन मैं भाग निकला। कार मंगिया? हाँ साहब इतना ही है। आवर आवर लोग कर। मंगलवार गोभी, बुधवार दूधी, शुक्रवार बैंगन, शनिवार आलू, संडे अंडा, मंडे डंडा। आज कौन सा दिन है भाई? ए भाई, आज कौन सा दिन है भाई? ए भाई, चिकन कोरमा, सूखा मटन, पाया सूप, नान, बटर नान। किसका बर्थडे भाई? मेरा ही बर्थडे है, चलो लाइन में आ जाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू। हेलो वागड़े कमीन वागड़े, इथं 3 नंबर पिकेट वर एक कावळा अडकले आहे। आपल्या 10 ते 15 मिनिटं पॉवर सप्लाय बंद करावं लागेल म्हणजे तो कावळा काढता येईल। जंगमती सुनार सुमत के संकेत कंचन वरण विराज सुवेरा कानन कुंडल कुंचित केसर हाथ वज्र ओध्वज विराजे कांदे मूत जन वसादे शंकर सुमत तेज प्रताप महाजग वंदन विद्यावान गुणीय त्याग
मिला था उससे मैं तिहाड़ जेल में। कौन भाई? अरे अपना चार्ल्स सोबराज। चार्ल्स क्या डेडली आदमी, क्या पर्सनालिटी है। 14 बार भागा जेल से। क्या बात है। अफगानिस्तान, पेरिस, बैंकॉक, तिहार से भी भागा। अच्छा क्या। और ये अपना कालिया। ए कालिया, कौन किसी को बांध सका, सही याद तो एक दीवाना है, तोड़ के पिंजरा। बरगो लायक भाई, इतना एक दिन इस बार गेट के बाहर तक तो पहुंचा। को उड़ जा, ऐसे चला तो 10-12 साल में बस स्टॉप तक जरूर पहुंचेंगे। मैं कुछ नहीं किया भाई, वो खुद ही गिर गया। वो Mr. Raghav, God, मुझे मेडल मिलना चाहिए आपको ढूंढ निकालने के लिए। मैं अंदर आ सकती हूँ? मुझे कुछ खरीदना नहीं है, sorry. नहीं, मैं कुछ बेच नहीं रही। Please. Thank you. शोभा, NGO चलाती हूँ, प्रयास। हम लोग जेल के कैदियों की रिहैबिलिटेशन करने का काम करते हैं। एक्चुअली मैं यहाँ लायक की वजह से आई हूँ, लायक टोंगेकर। स्टमक कैंसर है उसे, मैक्सिमम 1 साल बचा है उसके पास। अच्छा, उसे मेडिकल ग्राउंड्स पर रिहा किया जा सकता है, ट्रीटमेंट ले सकता है वो, अपनी बची हुई जिंदगी इज्जत से जी सकता है, अगर तुम उसे माफी ना मांगे दो तो। दर्द हो रहा है उसे? Excuse me? दर्द, पेन अभी तो नहीं, लेकिन कीमो शुरू हो गया है। 15 साल पहले उसे चौराहे पे लटका देना चाहिए था, पर ये भी ठीक है, धीरे धीरे मरेगा। एक्चुअली आप यहाँ तक आई मुझे न्यूज देने के लिए, सो थैंक यू मिस शोभा। शोभा, आई फील लाइक सेलिब्रेटिंग टुडे। शायद मैं चाइनीज मंगाऊं। राघव लाइक पिछले 15 साल से जेल के अंदर है, बीमार है, मर रहा है, और वो चाहता है जेल के बाहर मरे, अपने घर में, अपनी माँ के पास। और उसकी आखिरी रिक्वेस्ट सिर्फ तुम पूरी कर सकते हो, सो प्लीज माफ कर दो उसे। आपके बच्चे हैं मिस शोभा? एक बेटी है नताशा, 4th स्टैंडर्ड में है। अगर लायक जैसा कोई आदमी आपकी नताशा को उठा ले, मार दे उसे,
और आपको उसका मुर्दा शरीर किसी हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम रूम में देखना पड़े, चीर फाड़ के रखा हुआ, आप माफ कर देंगी उस आदमी को क्योंकि 15 साल गुजर गए? मैं नहीं जानती, पर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि जेल में रहकर लोग पता चाहते हैं। एक बार मिल लो उससे, खुद देख लो और फिर डिसाइड कर लो। मैं उसकी रिपोर्ट्स लाई हूँ, आई जस्ट वांट टू शो यू ऑल दीस थिंग्स। गुड नाइट। कार्ड रखा है, अगर डिसीजन बदले तो फोन कर दो। आगे ओवरब्रिज पर ध्यान से जाइएगा, बारिश का मौसम है, धुंध जम जाती है। तुम लायक की मदद करो या ना करो, उसे तो 1 साल में रिहाई मिल ही जाएगी, ये भगवान का फैसला है। लेकिन तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारे इस घर में तुम्हारी पत्नी और बच्ची की एक तस्वीर तक नहीं है, तुम तो खुद अपनी जेल में कैद हो। मिस्टर राघव, गोविंद मिश्रा याद है? 3 प्रमोशन 2 बाईपास। इस महीने के आखिर में रिटायर हो रहा हूँ, लेकिन ओपन केस फिर भी चुभता है। लाइक अगर यहाँ से छूटा तो अपने पार्टनर से कांटेक्ट जरूर करेगा। और आप उसे पकड़ लेंगे? मैडम ये संतरा पिंतरा अंदर ले जाना मना है। सर ले जाने दीजिए ना। हाँ शुक्रिया। दादा थैंक यू सर, आप मुझे माफ़ी दे दोगे तो मैं यहाँ से निकल सकता हूँ। 1 साल है मेरे पास, बोलते हैं मेरी लाइफ तो खराब, मेरी लाइफ खराब हो गई बिल्कुल। आपकी फैमिली के साथ जो भी कुछ हुआ है मुझे इतना खराब लगता है, मुझे इतना खराब लगता है मैं बता नहीं सकता। ये सब सुन चुका हूँ मैं 15 साल पहले, नया कुछ बोल? मैं बोलूँ? आपकी फैमिली को देखते हुए इतना खराब लगता है, इतना खराब लगता है कि मैं यहाँ से निकल के अपने पार्टनर से मिलूंगा, फिर अपने हिस्से के पैसे लूंगा और फिर जिमली के साथ 10 महीने ऐश करूंगा मैं। नहीं लायक, यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, अपने पार्टनर का नाम बता। मैं जब जानता नहीं तो कैसे बता दूं? बताओ, मैंने पुलिस को भी कई बार बोला। तो यही मरेगा।
आपके घर में कौन कौन है? बेटी। देखा मुश्किल नहीं लगता है? दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। ना सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। सच्ची सी है ये तारीफ है दिल से जो मैंने करी है, जो तू मिला तो सजी है दुनिया मेरी हमदम। आसमां मिला जमीन को मेरी यादें आधे पूरे हैं हम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे। साहब मैं लायक की अम्मी, माफ कीजिए मैं किसी पेपर पे साइन नहीं करूंगा। साहब साहब मेरे को मालूम लायक ने किसके साथ मिलकर ये कांड किया है। साहब मेरे को मालूम है उसके पार्टनर का नाम। लायक ने भेजा आपको? नहीं साहब, उसको मालूम चलेगा तो मार ही डालेगा वो मेरे को। पिछले हफ्ते जेल से फोन किया उसने और पार्टनर का नाम बताया और कहा कांटेक्ट करने को उससे। उसका फोन नंबर और एड्रेस है मेरे पास। तो मेरे बच्चे को जेल में मरने मत दो। अंदर ही है। हाँ, माफी दे दो साहब। अंदर ही है। पार्टनर का नाम और पता पता है ना आपको? हाँ साहब। आइए आइए प्लीज बैठिए। सर सर बेटी आई है, मिठाई खाइए। कांग्रेस कामदार। थैंक यू सर। सर आपको नामकरण में ना जरूर आना होगा। सॉरी मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ। क्या घर जा रहे हैं सर? सन 2000 को लायक मोहम्मद उंगेकर और उसके फरार साथी ने एक बैंक डकैती के दौरान मेरी पत्नी मिशा एवं बेटे रॉबिन की हत्या की। कोर्ट ने लायक को 20 साल की सजा सुनाई जिसके 15 साल वो काट चुका है। पिछले हफ्ते मुझे पता चला कि लायक को कैंसर हो गया है। अपनी निर्दोष पत्नी और छोटे से बेटे की मौत मैं कतई माफ़ नहीं करता, लेकिन लायक के जेल में मरने से मेरा दुख कम नहीं होगा। मैं लायक उंगेकर की बची हुई सज़ा रद्द करने की अर्जी कोर्ट को देता हूँ। मैं चाहता हूं उसे रिहा किया जाए ताकि वो ट्रीटमेंट ले सके और अपनी बाकी की जिंदगी इज्जत से जी सके। जा रहा हूं बस स्टॉप, वहां से सीधा बैंकॉक। सब मसाज कराऊंगा, थाई सैंडविच सब। दबा भाई के पैर, बराबर दबाना है। हाँ बोल। अरे लेकिन टांगी क्यों तोड़ दी? अरे वो इंटरनेशनल लोग हैं यार, उनको पूरा रोज चिकन चाहिए। हाँ मिलता हूँ मैं।
Excuse me. Do you need help? No, I'm fine. Thanks. Okay. Listen, I said I don't need help. मेरे हस्बैंड मुझे अभी पिकअप करने आ रहे हैं. You can go. आप न्यूज़पेपर पढ़ती हैं? What? ये एरिया सेफ नहीं है. रिसेंटली यहाँ 3-4 रॉबरीज हुई है और एक मर्डर भी. आप घबराइए नहीं, आपके हस्बैंड के आने तक मैं यहाँ रुक जाता हूँ. No, I'm fine. Really. अगर आप चाहें मैं आपके गाड़ी के पास रुकता हूँ. आप मेरी गाड़ी ले जाइए, आगे पेट्रोल पंप है. यू कैन गेट हेल्प. आप फिल्में देखते हैं? कभी कभी. अकेली लड़की सुनसान रास्ते पे आधी रात को जब लिफ्ट लेती है तो या तो ड्राइवर सीरियल किलर होता है या लड़की भूत. आप नेगेटिव सोचती हैं. रोमांटिक फिल्म भी हो सकती है. एक अजनबी हसीना से. ओके. मेरा एक मोटा सा हस्बैंड है और उसके पास आपके गाड़ी का नंबर है. सच्ची? ऑफ कोर्स, मैंने मैसेज कर दिया. आशिक हो या किलर, पकड़े जाओगे. पकड़ा गया मैडम. ओह, यू मैरिड? थैंक गॉड फॉर दैट. आई वाज रियली स्कैर्ड. ओह, शी इज सो लवली एंड ही इज सो एडोरेबल. क्या नाम है? मीशा. रॉबिन. ओह, वेरी क्यूट. या आपकी भी लव मैरिज है? सॉरी, मैं जस्ट एक शादी से लौट रही हूँ ना, तो मेरे दिमाग में बस वही चीज़ें हैं. यू डोंट हैव टू आंसर दैट एट ऑल. लव मैरिज? हमारी भी लव मैरिज है. थैंक यू सो मच. आई रियली अप्रिशिएट इट. कॉफी? आपका हस्बैंड होगा ना घर पे? एक्चुअली हमारा एक रेस्टोरेंट है, कोंकण क्वीन. आपका है? हाँ, विमान नगर पे. इट्स द बेस्ट सी फूड इन पूना. पर आप मीशा और रॉबिन को लेके क्यों नहीं आते? यप. प्लीज कम. या कंचन. रघु. टेक केयर कंचन. Hi. Surprise. Oh my God, what a pleasant surprise. तुम हरमन से मिले? नहीं. एक मिनट. This is Raghu, हरमन. इन्होंने मुझे कल घर ड्रॉप किया. Hello, हरमन. Thank you. Please sit. Yeah. मिशा और रॉबिन को नहीं लेके आए? They are no more. What? Actually, एक बैंक रॉबरी में 15 साल पहले उन दोनों की मौत हो गई. Oh God, I'm so sorry. कल रात कहने का मौका नहीं मिला और आप वैसे भी इतनी स्ट्रेस में थी. I didn't want to think of the past. Oh my God, no, I'm really sorry. What a tragedy. नहीं, ट्रेजेडी तो ये है कि 15 साल गुजर गए और अब तक कातिल पकड़ा नहीं गया. I'm very hungry. यहाँ की स्पेशलिटी क्या है? अब भी लाती हूँ. You'll love it. Welcome.
हम पहले कभी मिले? तो मेरे बीवी और बच्चे से मिले हो, मेन स्ट्रीट बैंक रॉबरी। क्या कुछ भी बके जा रहे हो, नॉनसेंस। मैं सबको जानता हूं वरना। क्या जानते हो? कुछ नहीं जानते। सब कुछ जानते हो तो पुलिस के पास क्यों नहीं गए? यहां क्या कर रहे हो? मैंने सोचा पुलिस के पास जाने से पहले मैं एक बार तुम्हें देख लूं। एनीवे क्या चाहते? इसे हाथ से खाना पड़ता है फॉर बेटर टेस्ट। थैंक यू। बाय द वे आपके हस्बैंड ने मुझे कल लंच पे बुलाया घर पे। ओह दैट्स वंडरफुल। मैं चटनी भूल गई। आई विल बी बैक इन 2 मिनट्स। हां ये कुछ नहीं जानती। प्लीज मेरी वाइफ को मत इन्वॉल्व करो। कल मिलते हैं लंच पे। कहाँ गया? फोन आया था। कल लाइक रिहा हो रहा है। मैं सोच रही थी पर्सनली मिलकर तुम्हें थैंक यू करूं। कब मिल सकती हूँ? हेलो अरमत। हाय। प्लीज सिट। Lunch is a great idea. Thank you. I'm so sorry. I really am sorry. मुझे हरमन ने सब कुछ कल रात बताया। I don't. देखो मैं मानता हूँ कि मैं उस बैंक रॉबरी में था, लेकिन तुम्हारे बीवी बच्चे का कत्ल मैंने नहीं किया है। आई स्वेयर गोली लायक ने चलाई थी। मैं तो पिछली सीट पे था, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि गन में गोली है। लायक भी यही कहता है। I'm really sorry. नाइस हाउस। मिशा को ये घर बहुत पसंद आता। मिशा लव दीज थिंग्स। जहां भी हम लोग जाते थे ना, वो ऐसी छोटी मोटी चीजें खरीद लेती थी, बस जमा करती थी, बाहर ही नहीं निकालती थी। बोलती थी रॉबिन तोड़ देगा या पूना में बहुत डस्ट है रघु। आई शी लाइक ऑल दिस। हमसे क्या चाहिए तुम्हें? क्या दोगे तुम? पैसे? पैसे देगा? कितने पैसे देगा? एक करोड़। 20 सेकंड है तुम्हारे पास, इसे बेटर आंसर दो वरना मैं पुलिस को फोन कर रहा हूँ। 2.5 करोड़। लायक का शेयर भी मेरे पास पड़ा हुआ, वो भी ले लो तुम। सब कुछ ले लो तुम, सब कुछ ले लो, घर होटल सब कुछ ले लो। मैं हरमन को जानती हूँ, वो किसी को मार नहीं सकता। आई एम सॉरी, हमें माफ कर दो प्लीज। हरमन, कंचन तुमसे बहुत प्यार करती है, माफी मांगो उसे। बोलो मैं खूनी हूं कंचन, पर फिर भी तुम मुझे बचाना चाहती हो। थैंक यू। ठीक बोलो। कंचन मैं खूनी हूं, फिर भी तुम मुझे बचाना चाहती हो। थैंक यू। मैंने तुम्हें माफ किया हरमन। बोलो। मैंने तुम्हें माफ किया हरमन, लेकिन उसके बदले में
बोलो। लेकिन बदले में मैं रघु के साथ सोना चाहती हूँ। अब तुम ये भूलने की कोशिश करना। नहीं कोको, कपड़े उतारो। यहीं पे What the hell is wrong with you? एक खूनी को बचाने के लिए तुम मेरे साथ सोने के लिए तैयार हो? He killed a child. He's a murderer. हरमन ने मिशा और रॉबर्ट को नहीं मारा। I believe him. Please trust me. Okay. Let's have some fun. बाहर जो सीढ़ी है ना, तुम वहां से गिर जाती हो, तुम्हें पैर पे चोट लगेगी ना, कैसे चिल्लाओगी तुम? चिल्लाओ, मेरा नाम क्या है? रघु, 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 चिल्लाओ, चिल्लाओ, रघु, यस कंचन, यस कंचन, यस कंचन। लाए कल रिया हो रहा है। क्या अग्रीमेंट था तुम दोनों के बीच? मुझे सिर्फ उसके पैसे और पासपोर्ट तैयार रखने थे। उसने कहा था बाहर आके फोन कर। जब लायक फोन करेगा तो मुझे बताओगी ना? लंच वॉज गुड, फिर आऊंगा। कुछ नहीं हुआ हरमन, उसने मुझे छुआ तक नहीं। I think he's trying to torture us. पूरा पागल है। Nothing happened.
अलैकुम। सलाम अलैकुम। पहचाना? हेलो विल्सन। साले कमीने, पादरी बन गया। हमको आज टेस्ट पे गलाने वाला तत्व। चल कर लिया हूँ। मन्नत मानी थी मैंने अजमेर शरीफ की, अब तू आ गया है तो फिर लेके चलूंगी तुझे। टपरी कौन संभालेगा? रिचार्ड बस स्टॉप। कौन जिमली? सबनम भी बोलते थे उसको। 15 साल पहले यही काम करती थी वो। ये मराठा मंदिर नहीं है। इमली मिलेगी? चाहिए? चाहिए नहीं। तू? छूटा कब? सुना नहीं तूने? अखबार में भी आया। क्या है अखबार? जेल में मैंने बहुत अच्छे काम किए ना, तो जल्दी फ्री कर दिया उन्होंने मुझे। अंदर नहीं बुलाएगी? तो भाग के तो नहीं आया? ऐसे काम कर दिया? मेरी सब्जी। भिंडी खाएगा? बहुत सही फ्लैट है, चकाचक है एकदम। तुझे यहाँ का एड्रेस कैसे मिला? गया था पुराने किले वहाँ से। पुराने किले? वहाँ क्या करने गया था? तुझे ढूंढने गया था। कुछ पिएगा? इतना पीती है तू? अरे नहीं, वो लेके आता है, घर लेके नहीं जा सकता। पाटिल साहब का घर है, जालना में रहता है फैमिली के साथ, आता है हफ्ते में एक बार ही। तेरा पाटिल नेता है कि भाई है? पैसा, ये तो बनना चाहता है। या झिमली, मुझे कुछ पैसा उधार चाहिए था, मैं लौटा दूंगा। कितना चाहिए? जितना तू दे सकती है, इंटरेस्ट के साथ लौटाऊंगा। हाँ तो मेरा इंटरेस्ट भर नहीं पाएगा। एक बात बोल, इतना पाटिल आदमी कैसा है? बोला ना ठीक है। बोला था? प्यार करता है तेरे को? तेरे को उससे क्या? पता ना, मेरे जैसे प्यार करता है। तू प्यार करती है उसको? हम दोनों ना आइटम थे, एकदम मस्त। मैं रोज सोचती थी कि तू आ जाएगा कि नहीं आएगा, पर तू सोचा कि मैं जेल जाऊं। ये पैसे रख, ये फूट यहां से। सही बोली तू, एक टाइम पे हम बहुत सही आइटम थे। ये पैसे लौटाऊंगा मैं तुझे। मजा आ रहा है ना इमली? आ रहा है, फिर से आएगा ना? आएगा।
एडवांस बुकिंग। थैंक यू। गिन तो ले। चल निकल। अभी मैं पुणे जा रहा हूँ, आप मेरे पीछे आओगे, साथ में चलते ना, शेयरिंग करके पैसा भी बचेगा। कहाँ था तू, कहाँ गया था? अरे बच्चा हूँ क्या कि सब बताऊंगा कहाँ से आया कहाँ गया? बहुत रात हो गई, सो जा चुपचाप। तू सोने देता बना, नाक में दम कर रखा है। हेलो, हरमन बन गया जेंटलमैन लायक। सुना है खुद का होटल है और शादी भी कर ली। कहाँ से फोन कर रहा है तू? तेरा नंबर ट्रैक भी हो सकता है, किसका नंबर है ये? 15 साल से नाम नहीं लिया, अब क्या फंसाऊंगा? मेरा पासपोर्ट और पैसे रेडी है ना? कितना है फिर से बोल। 2.5 करोड़। और पासपोर्ट? वो भी तैयार है, सिर्फ तेरा फोटो लगाने का है। किधर मिलेगा बोल? घर पे नहीं बुलाएगा? बीवी से नहीं मिल पाएगा? पास में ही है क्या? देना फोन। हेलो। हेलो भाभी जी, मैं लायक, हरमन का दोस्त। 15 साल से साउथ अफ्रीका में था, जस्ट अभी आया हूँ। हाउ आर यू? मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत सुना आपके बारे में। घर पे आइए कभी। दस बजे स्टैंड पे। रघु को फोन करो। सोचना देखना। सोचना क्या है उसमें, रघु को फोन करो। रघु की बहुत पड़ी हुई है तुम्हें? मुझे रघु की पड़ी है? हाँ। तुम फोन करो। मिल रहा हूँ मैं कल लायक से, करता हूँ मैं फोन रघु। स्टूपिड, जो भी लायक कर रहा है ना, खुद के लिए कर रहा है। को फोन बचाने की कोशिश मत करो उसे। भाग में चल। रघु, कंचन, लायक का फोन आया था, हरमन बात करना चाह रहा है। क्या बोला लायक? मैं कल उससे 10 बजे एसटी स्टैंड पे मिल रहा हूँ। तुम उससे नहीं मिलोगे। लायक से मैं मिलूंगा, उसे जो पैसे चाहिए वो मेरे पास होंगे। अब शिरडी के 2 टिकट बुक कीजिए, अपने पापों का प्रायश्चित कीजिए। It's a great deal, Raghu. 2 साल यूरोप में, it's fantastic. And you'll be working with the main agency. क्या exposure मिलेगा तुम्हें? Superb exposure. Fantastic. Very happy. Look very happy. What? What? What are you worried about? You. मैं 2 साल तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊँगा? हम लोग मिल नहीं सकते. I can't see you. How relax, will this? Relax. It's okay. 2 साल ही ना. 2 साल में पता भी चल जाएगा. Whether we're really serious about each other or no. क्या पता? Might find a nice, sexy French girl. I know a lot of girls hit on me and stuff. But I want you. I love you. I love your hands. No, I'm not going like that. No. Achha, listen. I have news for you. Kya? I'm pregnant. See ya. Arre, I'm pregnant. तुमने पहले क्यों नहीं बताया ये? This is the first thing you should say, na. मैंने पूछा ही नहीं. Why are you worried? Options हैं हमारे पास.
No abortion. Who's talking about abortion? Let's get married. I'm 22 and you're 21, Misha. So? Together you're 43. There's a tide in the affairs of men, which taken at the flood, leads on to fortune. Shakespeare. Raghu. Job ko na bol do kare. Let's have a baby. Let's have a baby. For sure. I want the baby now. We are going to have a baby. No, no, no. We are going to have a baby. I'm going to have a baby, guys. I've done it. Raghu, I'm going to have a baby. हेलो शोभा, मैं पुणे में हूँ, कल लंच पे मिल सकते हैं? छल्ली कर दे सीना मेरा, छल्ली कर दे सीना मेरा, छल्ली कर दे सीना मेरा, दाग दे सारी फली यानी आज मेरा जी कर दा मर जाने यानी आज मेरा कर दे जीना मेरा मुश्किल कर दे जीना मेरा हंसते हंसते मिट जाने यानी मेरा जी करदा मर जाने यानी अज मेरा जी करदा मर जाने यानी मेरा जी करदा मर जाने यानी अज मेरा जी करदा मुझे उस दिन के लिए सॉरी बोलना चाहिए पर मैं नहीं बोलूंगा मैं समझती हूं तुमने हमें दूसरा मौका दिया थैंक यू प्लीज सिट तुम कुछ लोगे चाय कॉफी हरमन अभी 2 बजे तक आ जाएगा तो हमारे पास टाइम कम है चले कहां बेडरूम वाइन को फ्रिज में रख देना आके आओ और ये पहन लेना गो हेलो हरमन तुम कहाँ हो वो आ गया नहीं वो चाय पी रहा है सब कुछ ठीक है नो आई विल हैंडल इट आई एम फाइन ओके बाय
कंचन, कंचन कहाँ? ऊपर। पैसे? ये पासपोर्ट है, ये पैसे, ये ले। कंचन कहाँ हो तुम? कोको, 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 हाँ, जिंदा, 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 उठ, 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 मैं एम्बुलेंस को फोन करता हूँ, एम्बुलेंस, एम्बुलेंस आया था, आईसीयू भी लेके गए उसे, डॉक्टर ने सब कुछ किया, वो फिर भी मर गई। कोको, कोको, हरमन, कोको, कोको, उसकी आंखें ऐसे ही खुली थी, पर मैं उसे दिखाई नहीं दे रहा था, और वो मर गई। हाय शोभा, लेट हो पर माफ किया। कम तो ये नताशा है। हाँ, हॉस्टल में पढ़ती, कल ही गई वापस। और हस्बैंड? डिवोर्स्ड। लाइक से बात हुई थी, बहुत खुश था, अच्छा इलाज चल रहा उसका, सब तुम्हारी वजह से। तुम्हारी वजह से? तुमने सिर्फ लाइक को नहीं, मुझे भी बचा लिया। 15 साल में पहली बार मैं डेट पे हूँ। हैप्पी। थैंक यू, आई एम हैप्पी टू। तो मैं बच्चों के गेम्स ही खेलती रहती हूँ या कुछ और करने में इंटरेस्ट है? मेरी बेटी खेलती है तो हम लोग हमेशा दो नए वर्ड सीखते हैं, तो इसलिए खेलते हैं। मेरे साथ खेलोगी? पर्दे बंद करो कि बेडरूम में चले। I'm not afraid.
ए नाव काय तुझं रघु काय रघु घेतली काय मर्डर गेले काय भाऊ चला चला काय मनोज जोकर आहे सर उधर क्या कर रहा है तुम्हारा हालचाल पूछने आया था कैसे हो तुम ठीक हूँ सीखा वेट कर रहे हो तुम्हारा दोस्त नहीं आएगा कौन दोस्त कौन हरमन साहब किधर है जी वो अपनी मिसेज के साथ शिरडी गए हुए शिरडी जी पिछले चार दिन से लायक कोंकण क्वीन रेस्टोरेंट जा रहा है कल दो बार गया था खाना अच्छा था तीखा है मसालेदार अच्छा है तेरा प्रमोशन पक्का है कदम को भेज पांच दिन से दोनों मिसिंग है मोबाइल भी बंद है उधर शिरडी का सन एंड शाइन होटल में रूम बुक किया था लेकिन आया नहीं उधर गाड़ी मिसिंग है घर भी लॉक है कोंकण क्वीन क्यों जाता इतना झींगा अच्छा है वहाँ का क्या 12 किलोमीटर जाता है झींगा खाने शौकीन आदमी उस दिन टॉकीज से मेरे आदमी को चकमा दे के भाग क्यों गया था इधर आया था क्या गांजा लेने गया था बीमार हूँ ना आपके लोग पीछे आते कोई गांजा देता ही नहीं है यहाँ पे क्या हुआ तुझे क्या लगता है
एक मिनट रुक रुक ये यहाँ क्या कर रहा है? मैंने मिसेस हरमन को लिफ्ट दी तो उन्होंने मुझे रेस्टोरेंट पे इनवाइट किया। गुड होमली फूड। लाइक भी खाने की तारीफ कर रहा था। अब कहना क्या चाहते हैं? 15 साल पहले तक हरमन खड़की के एक छोटे से गैराज में काम करता था। पगार 2000 रुपये। पता नहीं कौन सी ऐसी लॉटरी लग गई क्या जितने बड़े रेस्टोरेंट का मालिक है। तो आपका मतलब है कि हरमन लायक का पार्टनर है? कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आखिर आपने उसे ढूंढ ही लिया। ढूंढ लिया। पांच तारीख से हस्बैंड और वाइफ दोनों लापता हैं। तो तुम भी तो 5 तारीख को पुणे में ही थे ना? यस। क्या क्या पूरा दिन याद है? लंच डेट पे था शोभा के साथ उसके घर में। कितने बजे तक थे? 8 बजे। 8 बजे तो मेरा डिनर का टाइम होता। चलता हूँ। बाय सर। किस किस को बोलूँ तू हरमन के बारे में? मैं तो किसी को नहीं बोली। एक सच सच बोल दे, कुछ नहीं करूँगा। अरे बोली ना रे बाबा, नहीं बोली किसी। हाँ बोली मैं, उस राघव को बोली, तभी खड़ा है तू यहाँ पे। 14 साल से तो कोई काम धंधा किया नहीं तूने, आज भाईगिरी दिखाने आ गया अपनी माँ को। क्या कहा तुमने इंस्पेक्टर से? वी हैड सेक्स। मैंने बस इतना कहा कि जब मैं वहां से निकला तुम सो रही थी। बैठो। क्या जरूरत थी? तुम्हें पता किस तरह के बेहुदा सवाल किए उसने मुझसे? किसी की हिम्मत नहीं मुझे। ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन, अगर वो लोग सवाल करेंगे मुझे जवाब देना पड़ेगा। मुझे लगा था कुछ है हमारे बीच में। बहुत अच्छे लगे थे तुम मुझे। शायद तुम मुझे अच्छी नहीं लगी। जेल में पड़े कैदियों के लिए बहुत हमदर्दी है तुम्हें, लेकिन उनकी वजह से जिनकी जिंदगियां बर्बाद होती है उनके बारे में कभी सोचा तुमने? Used to be right. शायद वो इंस्पेक्टर सही कह रहा है। शायद तुम किसी में डुबे हो। शायद वो मुझे अरेस्ट कर लेंगे, जेल में डाल लेंगे, फिर तुम आओगी, मेरा हाथ पकड़ोगी, मेरी तकलीफ दूर करोगी, मुझे हमदर्दी जताओगी, और डॉक्टर के कैबिन में हम लोग सेक्स भी कर सकते हैं। Thank you.
मेरा पैसा कहाँ? मेरा फ्रेंड हरमन और उसकी बीवी को मार दिया मैंने। मार दिया? कैसे मारा? हथौड़े से, उसके घर में बेडरूम में जाके। बोलो क्या, कैसे कैसे किया मैंने, सुनना चाहता है तू? पहले मैंने कमरे में प्लास्टिक बिछाई, फिर जब उसकी बीवी नहा के बाहर आई ना, तो मैंने उसको सिर पे मारा, वो बेहोश हो गई। फिर जब हरमन पैसे लेके आया, मैंने उसको मारा। सच में मार दिया तुमने? हैं? तेरा दोस्त जिसका नाम तू 15 साल से किसी को नहीं बोल रहा था ना, वो तेरे हिस्से के पैसे मुझे देने के लिए तैयार हो गया था, और उसकी बीवी मेरे साथ सोने के लिए तैयार हो गई थी, उसको बचाने के लिए। तू सच कह रहा है क्या? लाशें खड़कवासला सेक्टर 3 में दफना दी मैंने, और वो पैसा कभी नहीं मिलेगा तुझे। तो तू अब मुझे भी मारेगा? तू तो मर चुका है, अभी कुछ और मैंने सड़ना है तुझे। तेरी बीवी को हरमन ने नहीं, मैंने मारा था। कंफ्यूज हो गया था मैं, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया 2 मिनट के लिए। तेरी बच्चा गिर गया था, बीवी चिल्ला रही थी, अचानक से मेरे अंदर से गन निकली और मैंने मार दी। मेरा गर्म दिमाग हो गया था। तेरा तो ठंडा दिमाग था, 2 लोगों को मार दिया हथौड़े से, और वो भी निर्दोष। क्या फर्क था? पागल हो गया तू? इलाज करा ले अपना। तूने फिर से धंधा शुरू कर दिया ना? हाँ, क्या देख रहे? झिमली यार, मैं मरने वाला हूं। हाँ? वो जेल से इसलिए रिहाई हुई, मेरी कैंसर है, मुश्किल से 1 साल बस। हाँ, जब सुना तो डर गया था मैं। जब जेल से रहा तो सोचा मैंने कि 15 साल तक मैंने अपने पार्टनर का नाम नहीं बताया, हिस्सा मिलेगा और उस पैसे को लेके हम लोग घूमेंगे फिरेंगे, मजे करेंगे, 10 महीने तक साथ में रहेंगे। उस दिन क्यों नहीं बोला? ये तो सरप्राइज देना चाहता था। झिमली कब? ठीक है मैडम, तो उसको चेंज करके भेज देते हैं, चिकन नूडल ना। कौन है तू? ऐसा समीर, अंकल किचन से। समीर टोनी कैसा है?
अच्छा है साहब, बड़े अच्छा। सलाम कहना मेरा है, ठीक है बोलना, याद कर रहे थे। एक महीने पहले मर गया टोनी, कौन है ये? आप गलत समझ रहे हैं। ये चुप रहे, चुप। फ्रेंड है, बहुत दिन बाद मिल रहे। ये फ्रेंड खुद को डिलीवरी बॉय बोल के पैकेट उठा के जाता है, तू बैठ के देखती रहती है, कीड़ा समझा मेरे को? हाँ क्या घूरती क्या है? फिर से धंधा शुरू किया। सॉरी अंदर चल। ओए रुक रुक रुक, तो ठीक तो है ना? बताया उसे मैंने कैंसर के बारे में। नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, रख। अरे रख ले, तेरे इलाज के काम आएगा। अरे गवर्नमेंट क्या, मेरा फ्री में इलाज चल रहा है, टेंशन मत ले, रख। तेरे और भी तो खर्चे होंगे ना यार। हाँ खर्चे तो बहुत होंगे, अगर तो साथ में चलेगी तो चलेगी। मैं अभी तो नहीं आ सकती, ये सोमवार तक है, उसके बाद मैं एक गंदी बात बोलना बोल, क्या था वो? कट्टी काटेगा तो कट्टी हो जाएगी। सही है, क्या करते हैं पास 2.5 करोड़ मिलना था मेरे को, और रघु ने ना मेरे पार्टनर और उसकी वाइफ का मर्डर करते, देख मैं क्या करता हूँ। तो कुछ नहीं कर, मैं आती हूँ। लाइक मर्डर किया मैंने, मर्डर खूनी हूँ मैं, अगर फिर से इस पे हाथ उठाया ना तो फिनिश कर दूंगा। गुड नाइट। क्लीनिंग चल रही है, मेरी याद कैसे आई? चाय पिलाओगे? तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम हरमन के घर भी गए थे? फिंगरप्रिंट्स, परफेक्ट मैच। लंच के लिए बुलाया था। तुम्हें लंच की बड़ी दावतें मिलती हैं भाई, हाँ? Where's the money? What money? Don't play that game with me. लायक को मिलना था वो पैसा, बैंक रॉबरी का हिस्सा। ऑन के सिग्नल के सीसी कैमरा में साफ दिखते हो तुम, हरमन की गाड़ी में। तुमने हरमन और उसकी वाइफ का मर्डर किया, कोर्ट में क्या प्रूफ करेंगे कि मैं, जिसकी पत्नी और बच्चे का मर्डर हुआ, पहले मैंने लायक को माफी दी, उसके बाद उसके पार्टनर का मर्डर कर दिया पैसों के लिए? चीनी कितनी लेंगे आप? फांसी से तो शायद तुम बच जाओगे, पर जेल टर्म गारंटीड। वो पैसा तो मुझे दे दो, मैं एविडेंस मिटा दूंगा, वरना
रिटायरमेंट फंड चाहिए। तुम जो चाहे समझो, मंडे को रिटायर हो रहा हूं मैं, सोमवार 11 बजे तक का टाइम है तुम्हारे पास। कब जाता है कुछ पता नहीं, बिल्कुल अपने बाप पर गया। खाना रखा है ले ले। जब भी जिक्र करती है गालियां देती है मेरे बाप को। कुछ तो अच्छा होगा उसमें, बोल ना। क्या बोलूं? कुछ तो होगा अच्छा। पुराने चावलों में काय को कीड़े ढूंढ रहा है। जाने दे, जाने दे ना। क्या हो रहा है भाई, किसे भगाने की तैयारी हो रही है? सर, आप ही का सेंड ऑफ है आज। अच्छा इन वर गया ना थोड़ा टोपिया। लाइक सुन, टपरी पे बैठना, तू मेरे पीछे गाय को आ रही है, टपरी पे बैठ। चल सुन तो, लाइक कोई पूछेगा तेरे बेटे में कोई अच्छी बात थी तो तू बोलेगी ना, बोलना। हाँ सर, आज मेरा आखिरी दिन है, क्या डिसाइड किया है? पैसे नहीं मिलेंगे, रिटायरमेंट मुबारक हो। डोंट बी स्मार्ट, मैं आ रहा हूँ तुमसे मिलने। जो करना है कर। मेरा ड्राइवर कहाँ है? और साहब वो बंगले पे क्या आपकी फैमिली को लेने? गाड़ी निकाल। अरे सर आज के दिन रुक जाते, छोटा सा प्रोग्राम है सर। तो बस अभी आता हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ। हरमन और उसकी मिसेज का मर्डर मैंने किया। क्या? दोनों को मैंने मारा है, उसके घर में बेडरूम में घुस के जमीन पे प्लास्टिक बिछाई और दोनों के सर पे हथौड़ा मारा, दोनों मर गए। मुझे मेरा हिस्सा नहीं देगा ऐसा बोला वो, मेरे को पहचानने से इनकार किया। लाशें खड़कवासला सेक्टर 3 में। जानता हूँ तूने मर्डर नहीं किया, क्या चाल है? बोल बोल, तूने खून नहीं किया? बोल तूने खून नहीं किया?
उठाओ लेके जाओ। अरे पवन तेरे को बीड़ी लाने बोला, तू बैठ गया इधर। बैंकॉक में बहुत मजा आया मुझे। दो और मर्डर करके आए। आज फिर नहीं गए ना? कितनी बार कहा कीमो करा लोगे तो पेन कम होगी। और कल क्या हुआ रात को? बेहोश हो गए ना फिर से? नहीं नहीं, वो तो बस ऐसे ही मैं दर्द होने की एक्टिंग करता हूँ ना, वो तो मिल जाता है गांजा। संडे को क्यों काम कर रहे? और तो कोई नहीं कर रहा यहाँ पे काम। मैं एक चेयर 4 दिन में बनाता हूँ और बाहर 3,000 की बिकती है। अच्छी बना लेते हो, ये वाली मेरे लिए रख देना। डिस्काउंट दिलाओगे ना? मर गया तेरी बीवी और बच्चे का कातिल। पता है मुझे। तू भी जानता होगा उसने खुद को पुलिस के हवाले क्यों किया, फिर अर्जुन अपने सर पे क्यों लिया, तेरे को दूसरा चांस देने के लिए। सबको नहीं मिलता दूसरा चांस, लायक को नहीं मिला, मुझे नहीं मिला, तेरे को मिला है। प्लीज मत कर उसको। और वैसे भी तेरा बदला तो पूरा हो गया ना, अब क्या करेगा? ले लू बलाए बलाए तेरी, दे दू दुआए दुआए, ले जा तू अब की बारी, सांसे अब है हरी हरी। अज मेरा जी करदा मर जाने, अज मेरा जी करदा मर जाने, मेरा जी करदा मर जाने, अज मेरा जी करदा। छल्ली कर दे सीना मेरा, छल्ली कर दे सीना मेरा, छल्ली कर दे सीना मेरा, दाग दे सारी फलिया नी, अज मेरा जी करदा मर जाने, अज मेरा जी करदा मर जाने, मेरा जी करदा मर जाने, अज मेरा जी करदा। मुश्किल कर दे जीना मेरा, मुश्किल कर दे जीना मेरा, मुश्किल कर दे जीना मेरा, हंसते हंसते मिट जाने, यानी मेरा जी करदा मर जाने, यानी अज मेरा जी करदा मर जाने, मेरा जी करदा मर जाने, यानी अज मेरा जी करदा।
रब्बा मेरे मुझे घर पे तेरे कदी बुला तेरी चौखट पे दे दे और जो दर्द हो बाकी रुला मुझे रच रच के हाथ मेरा जी कर दे एक बारी दीदार को तेरे लख बारी मैं कट जाने यानी अच मेरा जी करदा मर जाने यानी अच मेरा जी करदा मर जाने यानी अच मेरा जी करदा मर जाने यानी अच मेरा जी करदा तू मौत के करीब तू